पीछे से आवाज नहीं है, आरक्षण ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सभी पुरखों को नमन करते हुए आप सबकी जय। आरक्षण महासम्मेलन को लेकर के यहाँ की आयोजन कमेटी को धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कहाँ जा रहा है? लेकिन थोड़ा सा व्यवधान हो गया, आरक्षण की जब हम बात करते हैं और यहाँ पर मालाएं पहनाई की थोड़ा हमें अजीब लगा। आइंदा से इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज से 14-15 साल पहले डूंगरपुर में एक आवाज उठी थी। वहां से आवाज उठने के बाद में संभाग के सभी लोगों ने, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं आए, सबने मिलकर के 45% में अपना अहम योगदान दिया था। तब जाकर के हमारे इन विभागों में सभी जितने भी कार्मिक विभाग है, इन विभागों में हमारे लोग नौकरी लगना शुरू हुए थे। इससे पहले हमारे लोगों की संख्या कम हुआ करती थी। मैं आपको विदित करना चाहता हूं, अगर आरक्षण की बात आती है, सबसे पहले हमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बात जब आई ट्राइबल सब प्लांट एरिया करके एक योजना आई, टीएसपी क्षेत्र करके हमारे यहाँ के नेताओं ने इस क्षेत्र को ही अनुसूचित क्षेत्र से हटाने का काम किया। हमने भी उसमें आवाज बुलंद करी कि टीएसपी क्षेत्र है, हमें ये नहीं कहना होगा, हमें अनुसूचित क्षेत्र कहना होगा, तब जाकर के आरक्षण बचेगा। रहा सवाल आने वाले समय का, तो जो पिछला समय गया उसमें हमने एक दूसरे की टांग खिंचाई करके कुछ विधायक विधानसभा में नहीं भेजे। अब ये नहीं करके आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, वहां जाकर के अगर अपनी आवाज बुलंद हो जाएगी तो आरक्षण को लेकर के जो भाई वहां जाके बात करेगा, उस भाई को कम से कम ये ताकत मिलेगी इस जगह से। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और ये जो गेंडे नेता, समझ में आया गेंडे नेता, इनके वहां हमने आरक्षण को लेकर के 2009 में खूब ढोल बजाए, हर एक नेता के घर, इसमें आपकी ये संभाग के सारे नेता आगे 17-17 सीटों पे हमने जाकर के ढोल बजाए थे कि आरक्षण को लेकर के जयपुर और दिल्ली में आप आवाज उठाइए। एक भी नेता हमारे साथ नहीं आया था। काकरी डूंगरी आंदोलन हुआ उस टाइम में, हाईवे जाम हुआ, हम लोग जयपुर थे, कुछ साथी यहाँ बैठे हुए हैं नहीं जानते हैं, मैं उसी एसटीएससी संघर्ष मोर्चा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, विक्रम कटारा था, राजेश कोटेड था और नारायण कटारा, इन चार भाइयों ने एक बार आवाज वहां से बुलंद करी थी, आप सब ने साथ सहयोग दिया था, तब जाकर के 45 मिला था। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को इतना गुस्सा आना चाहिए कि दिल्ली की कुर्सी पे हमारे राजकुमार भाई को हम लोग बेच सके। हमें गुस्सा नहीं आता है, मैं समय 2 मिनट लूंगा। पिछले 5 सालों में बहुत सारे कृत्य ऐसे किए इन दोनों सरकारों ने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया, हमें गुस्सा नहीं आया। हमारे भाइयों के साथ गलत किया, हमें गुस्सा नहीं आया। कम से कम मत देते वक्त तो आपको गुस्सा आना चाहिए कि भाई यही एक अधिकार ऐसा बचा है जिसके तहत आप अपने हक अधिकारों की आवाज को विधानसभा और लोकसभा में भेज पाओगे, तभी जाकर के आरक्षण बचेगा। और आने वाले वक्त में इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जितने भी विभाग है उस विभाग में जनसंख्या के अनुपात में हमारे लोगों की नौकरी होनी चाहिए, ये मुख्य हमारी मांग होनी चाहिए। इसी के साथ में एक बार मैं फिर से नारा लगवाऊंगा, लड़ेंगे। जय जोहर का नारा है।